मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला में अपने सरकारी निवास ओकओवर में अपना 55वां जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री को बधाई देने वालों का तांता सुबह से ही उनके निवास स्थान पर लगा रहा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने प्रशंसकों के साथ नाटी भी डाली और प्रदेशवासियों को जन्मदिन पर बधाई देने के लिए धन्यवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सभी लोगों का सहयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि प्रदेश की जनता उनको भविष्य में भी प्रदेश के विकास में अपना पूर्ण सहयोग देगी। इस अवसर पर शुरू की जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से पूरे प्रदेश में लोग अपने राशन कार्ड के माध्यम से किसी भी डिपो से अपना सामान ले सकते हैं और पूरे देश में भारत सरकार द्वारा आज से शुरू की गई नई योजना माई जीओवी को भी प्रदेश भर में शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए एक आधुनिक मशीन डिजिटल सबस्ट्रैक्टेशन शुरू करने की बात कही। वहीं इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं एवं खेल नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित की गई मिनी मैराथन दौड़ को आयोजित करवाने के लिए मुख्यमंत्री ने बोर्ड का धन्यवाद किया। आज मुझे प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करना है और आप सभी का भी कि जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए जहां बड़ी संख्या में आप लोग पहुंचे और प्रदेश भर से बहुत सारे लोगों ने शुभकामनाएं दी हैं। पार्टी के प्रमुख नेताओं ने भी हमको बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं, जिसमें हमारे केंद्र के नेता भी शामिल हैं और मैं उन सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। स्वाभाविक रूप से आज के दिन जो शुभकामनाएं मिलती हैं, इन शुभकामनाओं से आगे बढ़ने का हौसला मिलता है और हिमाचल प्रदेश में हम और अच्छा काम कर सके आने वाले साल में, उसके लिए हम सब लोगों को मिलकर के जो है जो बुजुर्गों का और प्रदेश की जनता का जो सहयोग और मार्गदर्शन मिला, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्हें आज जन्मदिन के इस अवसर पर जो है मैराथन की है और मैराथन करने के साथ साथ में वो जो है मौसम खराब होने के बावजूद बर्फ में भी उन्हें दौड़ लगाई है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ।